गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी डू लेसन नंबर 13 इन ईवीएस इम्पॉर्टेंट प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास जो इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं उसके बारे में टीचर आपको आज पढ़ाएंगे। आपको पता है इम्पॉर्टेंट प्लेस क्या होती है? सी द पिक्चर इन योर बुक। सबसे पहला पिक्चर देखो, पहले मैं पढ़ती हूँ। एवरी विलेज एंड सिटी हैज इम्पॉर्टेंट प्लेस। विलेज हो या सिटी हो, हर जगह पे इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं। यर आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अवर नेबरहुड। हमारे आसपास जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है उसके पिक्चर्स बताए हुए हैं, मैं वन बाय वन रीड करती हूँ आपको। पहला पिक्चर देखो क्या है, अ स्कूल। स्कूल इज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस। अ मार्केट, अ पार्क, अ हॉस्पिटल, अ पोस्ट ऑफिस, अ पुलिस स्टेशन, अ रेलवे स्टेशन। ये सारा आपको पता है, ये आपने देखा भी है आसपास और हम टीवी पर भी देखते हैं इसको। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ विलेज। अब ये विलेज का है, देखिए विलेज में क्या होता है, फार्म। फार्म यानी खेत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। वो लोग उधर काम करेंगे जबी वो अर्न करेंगे और अपना घर चला सकते हैं। डिस्पेंसरी और हेल्थ सेंटर, दवा के लिए हमको चाहिए वहाँ पर से जल्दी जल्दी। जैसे हमारे मुंबई शहर में आपको कहीं भी गली गली में आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स होते हैं, पर गाँव में नहीं होते। गाँव में एक स्पेसिफिक जगह होती है, बस वहीं एक ही मिलेगा आपको, वहाँ से आपको दवा मिलती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। पंचायत, ये पंचायत का एक रूम होता है जहाँ पर जो गांव के जो कुछ लोग होते हैं, 5 या 7 जन जो गांव के बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो वहाँ पर पंचायत ऑफिस में बैठते और कोई भी चीज़ का उसमें डिसीजन लेना हो तो वो लोग वहाँ लेते हैं, जिसको बोलते हैं पंचायत। वेल, वेल यानी पानी। पानी तो चाहिए, पानी के बगैर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पानी के बगैर कैसे होगा? तो वेल, गांव में हमारे नलों में पानी आता है पर गांव में लोग वेल से पानी भरते हैं। एवरी नेबरहुड ऑल्सो हैव प्लेस ऑफ वर्शिप। पीपल गो टू प्रेयर एट दिस प्लेसेस। अभी हमने आपको इम्पोर्टेंट प्लेस बताया, ये हमारे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमको ये सारी चीज़ें लगती है। स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल, ये सारा कुछ हमको लगता है। और इसके साथ जो हमारे हम जो रिलीजन के हैं, वो रिलीजन का हमको फेस्टिवल स्पॉट होता है, वो भी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। उसका पिक्चर यहाँ पे बता, हिंदू वर्शिप इन अ टेम्पल। हिंदू कहाँ वर्शिप करने जाते हैं? टेम्पल्स में। मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स और नमाज इन अ मॉस्क। मुस्लिम कहाँ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? मस्जिद। क्रिश्चियन गो टू द चर्च फॉर प्रेयर्स। क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में अपना प्रेयर्स करने के लिए, ये इनकी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। सिख वर्शिप इन अ गुरुद्वारा। सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं अपने प्रेयर्स करने के लिए। पारसीज वर्शिप इन द फायर टेम्पल, इट इज कॉल्ड अग्यार। पारसीज कहाँ जाते हैं? फायर टेम्पल है, उसको लोग अग्यार बोलते हैं। जेंट्स विजिट दरासल, बुद्धिस्ट विजिट बिहार। ऑल रिलीजन्स टीचेस अस टू लव एंड हेल्प वन अनदर। हमको रिलीजन क्या सिखाता है? कि एक दूसरे से प्यार करो, झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे की केयर करो, लव के साथ रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। एवरी सिटी एंड विलेज हैज इम्पॉर्टेंट प्लेस। हर सिटी हर विलेज में इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है। मैंने आपको बताया ना मुंबई में कैसी इम्पॉर्टेंट प्लेस है और विलेज में क्या होता है, दोनों में फ़र्क है। एवरी नेबरहुड हैज प्लेस ऑफ वर्शिप। हर जगह पे प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। जिस धर्म का जो इंसान है वो अपने अपने वर्शिप प्लेस पर जाके वर्शिप करता है, अपने प्रेयर्स करता है। ऑल रिलीजन टीचेस अस टू लव एंड हेल्प वन अनदर। सब रिलीजन में हमको क्या सिखाया जाता है कि हमको लव रखना चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। बाय।